Hi guys, welcome back. This is me, your friend Daryl at Go Beyond Design. मेरे दिमाग में आज जो एक टॉपिक आया है, मैंने सोचा कि आपसे जरूर उस चीज को शेयर करूं, और वो टॉपिक है अबाउट मेंटल एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। अब मेंटल एनर्जी एंड क्रिएटिविटी किस तरीके से रिलेटेड है, वो चीज समझने में मेरे को ज्यादा देर नहीं लगी जब मैंने एक बुक पढ़ी। उस बुक का नाम है ब्रेन एट वर्क बाय डेविड रॉक। उसके अंदर बहुत सिंपली एक चीज समझाई कि जब सवेरे के टाइम हमारी मेंटल एनर्जी हाई रहती है, हमें वही चीज करनी चाहिए जो हमारे लिए दिन में सबसे ज्यादा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड ये चीज मेरे को समझने में देर नहीं लगी ज्यादा कि व्हाई दिस इज बीन एम्फसाइज सो मच इन दैट बुक। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे जो एल्डर्स हैं और हमारे जो एजुकेटर्स, हमारे टीचर्स रहे थे स्कूल के अंदर, वो भी ये बहुत चीज़ पे एम्फसाइज करते थे कि जब एग्ज़ाम वाला दिन होता है, एग्ज़ाम वाले दिन के अंदर सवेरे हमको कोई रिवीजन नहीं करनी है, कुछ चीज़ नहीं समथिंग न्यू हमको पढ़ना नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टूड द फैक्ट दैट यू नो वी नीड ऑल ऑफ आर मेंटल एनर्जी टू बी स्पेंट एट द राइट place, that is it, giving the exam, giving the test. And it is so, you know, strange ki itna time lag gaya, itni umar lag gayi is cheez ko samajhne mein. And for most people this is still an elusive thing ki aisa kyun hota hai ki at some points in the day हमारे दिमाग के अंदर, I too have felt that in the day ऐसा क्यों होता है कि मैं कभी कभी मेंटल ब्लॉक में चले जाता हूँ दिन के अंदर। यू नो थिंग्स एज सिंपल एज यू नो कमिंग अप विद यू नो स्मॉल आइडियाज और यू नो ट्राइंग टू रिप्रेजेंट समथिंग क्रिएटिवली एट माय वर्क कैन बिकम सो डिफिकल्ट एट टाइम्स इन द डे। लेकिन कभी कभी वो इतना आसान होता है कि लाइक यू नो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक एंड आई जस्ट बिकम अ बिट टू यू नो एरोगेंट थिंकिंग, अरे वाह मेरे को तो इतना आसानी से आ जाता है क्रिएटिव थॉट। बट अगर इस चीज़ के बारे में जब मैं सोचने लगा कि जैसे इस बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि यू नो कि मेंटल एनर्जी इज बेसिकली द ग्लूकोज इन द हेड इन इन द ब्रेन विच एक्चुअली गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द डे टू प्रोवाइड मेंटल एनर्जी। एंड यू नो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इस द ब्रेन इज जस्ट लाइक अनदर मसल। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ जिम पे, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कोई भी मसल ग्रुप को मैं अगर एक्सरसाइज करूंगा, इट इज सो ऑब्वियस यू नो एनीबॉडी कैन से और एनीबॉडी कैन टेल कि अच्छा ठीक है कुछ टाइम के बाद ये जो है एनर्जी है ये खत्म हो जाएगी, आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस मसल पार्ट एज एफिशिएंटली एज यू नो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एज आई वॉज वेन आई स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज। ये चीज समझने में इतना टाइम लग जाता है कि जो हमारा दिमाग है वो भी सेम चीज ही है कि अगर मैं उसको अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में, चीज़ें जो मैं डेडिकेट कर सकता हूँ, चीज़ें जो मैं सोच सकता हूँ कि यू नो कोई और कर दे, या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अभी ज़रूरत नहीं है मुझे करने, उस चीज़ों पे अगर मैं सवेरे दिमाग लगाऊंगा, सोशल मीडिया में सुबह अगर दिमाग लगाऊंगा तो फिर मेरी वो मेंटल एनर्जी है वो ख़त्म होने लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जब मेरे को एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी उस मेंटल एनर्जी की, वो इम्पोर्टेंट यू नो वो हैवी हिटिंग एनर्जी ज़रूरत होगी अपने काम के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। दैट्स नो मैन एंड आई विल नॉट बी एबल टू इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स और टास्क इन द डे विच आई ट्रूली रिक्वायर माई सेल्फ टू अकम्पलिश इन द डे। एंड जब मुझे ये चीज़ पता चली तो आई हैव ऑलवेज ट्राइड माइंडफुली टू डू those important things in the day which matters to me the most in the morning when my mental energy or my glucose reserves in the mind is high and at its fullest. And after I've started doing that, there has been a lot of difference. It definitely mere ko improve karti hai, and this is a small nugget, a very very small nugget which I wanted to share with you. आई होप ये आपको भी पसंद आएगी और ये आपको भी हेल्प करेंगे। जस्ट ट्राई डूइंग इट वंस फॉर अ कपल ऑफ यू नो डेज, फॉर अ वीक ट्राई डूइंग दिस। आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में आपको किस तरीके से इस चीज़ ने हेल्प किया, अगर हेल्प किया हो तो। सो दिस इज मी डैरिल साइनिंग ऑफ एंड आई होप दैट यू गो बियॉन्ड डिजायर। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।